श्री कृष्ण के अनुसार इस प्रकार ओम के जप और परमात्मा स्वरूप सद्गुरु के स्वरूप का निरंतर स्मरण करने से मन का निरोध और विलय हो जाता है और उसी क्षण शरीर के संबंध का त्याग हो जाता है। केवल मरने से शरीर पीछा नहीं छोड़ता। संपूर्ण गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहीं भी देवताओं का समर्थन नहीं करते। अध्याय 9 में वे कहते हैं कि कुछ लोग मुझे पूजकर स्वर्ग की कामना करते हैं, मैं उनको विशाल स्वर्गलोक के भोग देता हूँ, किंतु वे छिड़े पुण्य मर्तलोकम विसंती, पुण्य छिड़ हो जाने पर स्वर्ग से गिर जाते हैं, लेकिन गिरने पर भी उनका विनाश नहीं होता। तब जाकर के उस परमात्मा तक की दूरी तय की जा सकती है। इसलिए जितना भी हो सके सबको एक परमात्मा के नाम को जप करना चाहिए, ओम अथवा नाम। जो जो नाम जपते जाएंगे तो धीरे धीरे पुण्य पुरुषार्थ बढ़ेगा और भगवान की कृपा मिलने लगेगी, और जहाँ भगवान की कृपा मिली तो ऐसे महापुरुष का शरण सानिध्य प्राप्त हो जाएगा जिनके द्वारा कल्याण निश्चित है। श्री कृष्ण के अनुसार इस प्रकार ओम के जप और परमात्मा स्वरूप सद्गुरु के स्वरूप का निरंतर स्मरण करने से मन का निरोध और विलय हो जाता है और उसी क्षण शरीर के संबंध का त्याग हो जाता है। केवल मरने से शरीर पीछा नहीं छोड़ता। संपूर्ण गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहीं भी देवताओं का समर्थन नहीं करते। अध्याय 9 में वे कहते हैं कि कुछ लोग मुझे पूजकर स्वर्ग की कामना करते हैं, मैं उनको विशाल स्वर्गलोक के भोग देता हूँ, किंतु वे छिड़े पुण्य मर्तलोकम विसंती, पुण्य छिड़ हो जाने पर स्वर्ग से गिर जाते हैं, लेकिन गिरने पर भी उनका विनाश नहीं होता।